ये है एलेक्सी की कार, है ना मजेदार? You are the second person whose name is. We'll meet in the evening, maybe. Maybe, yeah. If you have time. Of course. Yeah. In the evening, maybe. Yeah. You made it 3x4 accidentally. Engineer. मैं इनको बता रहा था कि हमारे इंडिया में अगर ये आपको करना है तो भैया जान ले लेगी अथॉरिटीज़ आपकी। क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल के बारे में रिसर्च एंड पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है। तो यार ऐसी होती हैं कुछ रशियन यूनिवर्सिटीज़। और ये कुछ लैब जैसी दिख रही है मुझे। मेरा होस्ट मेरा वेट कर रहा है और वैसे तो मैं उसे मना कर सकता हूँ, भाई मैं नहीं आ रहा, मैं सुबह आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या होता है ना कि जुबान दिए कोई रुका हुआ है तो उसके बाद ना जाना फिर ठीक नहीं लगता है, तो वो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से 40 किलोमीटर है, मैं सुबह भी जा सकता हूँ। तो यार अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं हूँ समारा में। रात को 1:30 बजे करीब मैं समारा पहुँचा था, तो पहले मैंने डिसाइड किया कि कोई हॉस्टल वगैरह ले लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। बट मेरा जो होस्ट था एलेक्सी, वो बहुत ही अच्छा है यार। उसने मुझे बोला भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम आ जाओ। तो मैं आ गया था रात को यहाँ और अभी उठ गए हैं, तैयार हो गए हैं। फ़िलहाल एलेक्सी को उसकी गर्लफ्रेंड को जाना है अपने काम के लिए, तो एलेक्सी अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा है। उसने मुझे बोला कि यूनिवर्सिटी चल वहीं पर काम कर लियो। मैंने बोला वेयर इज़ द प्रॉब्लम, लेट्स गो ब्रो। ये है एलेक्सी की कार। है ना मज़ेदार? एलेक्सी अभी आगे सोसाइटी का गेट खोलने गया हुआ है, एक बार वो आ जाता तो गाड़ी में बैठ के फिर यहाँ से निकलते हैं। आई थिंक आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। You are the second person whose name is Nikita and I'm meeting him in Russia. There are a lot of Nikitas. Oh, Nikita, it's yeah. really a popular mm-hmm. name. The moment I landed at the Moscow airport, the first person I met was Nikita. He was my friend's friend. So you live here only? I live here. We'll meet in the evening maybe. Maybe, yeah. If you have time. Of course. Yeah. All right, thank you for coming and meeting me. एलेक्सी भाई ने बताया था कि यहाँ कोई इंडियन रुका हुआ था, ये दो लोग मुझसे मिलने आए हुए हैं। तो भाई गड्डी स्टार्ट हो गई है और अपन लोग निकल रहे हैं। पहले हमें जाना है आनिया के ऑफिस, वहाँ उसको ड्रॉप करके फिर हम एलेक्स के यूनिवर्सिटी जाएंगे। एंड देन वहीं पर आज मुझे भी बैठ के काम करना है, तो लेट्स सी कि कैसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं यहाँ रशिया की। कार देखो यार क्या कूल है। Unfortunately, we have the roof, you see. Ah, it's okay, no problem. Without the roof, that's really amazing. Really windy. I can imagine that. One day you will take a cabrio. But still, it doesn't have gate, so you know it's much windy. If the car can ride without the doors, then I don't need the doors. Uh-huh. What's the problem? No, of course I have them there. That's much more easier to jump on and out and that's all. Is it? भाई इस गाड़ी में दरवाजे नहीं हैं, इधर भी नहीं है और उधर भी नहीं है। भाई ने दोनों दरवाजे निकलवा दिए हैं और पीछे तो इसमें है ही नहीं। Houses where some rich people in Tsarist era, you know, when before the Soviet times. Before the Soviet time. Yeah. And these buildings are very old. And the building which you are living in is 100 years old? Yes, it's 110. Oh my god. Years, yeah. Also before Soviet times. And it's not the oldest one, of course, but if you were in Moscow, you know that the eldest Moscow buildings comes from Tsar times, from like 500 years ago. When like Kremlin. I heard it. तो यार एलेक्सी भाई जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, मैं इनका घर दिखाना आपको भूल गया, टाइम नहीं था और सुबह उठे बस जैसे फ्रेश वगैरह हुए और उसके बाद प्लान किया कि निकलना है। तो मैं शाम को जब घर वापस जाएंगे तो दिखाऊंगा। 110 साल पुराना घर है इनका। मैं
मैं पहली बार इतने पुरानी बिल्डिंग के अंदर रह रहा हूँ और वाइब भी अलग है इनके घर की। और इन्होंने ना अपने घर को अलग ही तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें ला ला के वहाँ लगा रखी है। शाम को जब जाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई से अभी रूबल और इंडियन करेंसी के बारे में बात कर रही थी, तो ये बता रहे थे कि रूबल्स के रेट काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे, तब इनका रेट इंडिया में था तो उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो अब मैं इनको बता रहा हूँ कि भाई रूबल के रेट स्ट्रॉन्ग हो गए इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में, तो अब मुझे रशिया में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। तो भाई आनिया का ऑफिस आ गया है, यहाँ पर आनिया को हमने ड्रॉप करना है, उसके बाद आगे चले जाएंगे भाई की यूनिवर्सिटी के। भाई बता रहे हैं कि ये 4x4 कार हुआ करती थी, बट ये इसमें कुछ हरकत कर रहे थे जिस वजह से एक व्हील में प्रॉब्लम हो गई, तो अब ये कार है 3x4। तो मैंने भाई से पूछा कि आपने इसको 3x4 बनाया है, क्योंकि मार्केट में तो 3x4 मिलती नहीं है। भाई कह रहे हैं कि मैंने बनाना तो नहीं चाहता था और ऐसी कोई कारीगरी नहीं की है, बट मेरे से वो व्हील ख़राब हो गया, एक व्हील ख़राब हो गया, तो तुम कह सकते हो कि एक्सीडेंटली मैंने इसको 3x4 कर दिया है। यू मेड इट 3x4 एक्सीडेंटली इंजीनियर। और ये एक जीप है जो कि 32 ईयर्स ओल्ड है, और मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगा ना, आपको लगेगा नहीं है 32 साल पुरानी गाड़ी हो सकती है। भाई ने पेंट वेंट करके इसका जंग वंग सब निकाल के मस्त इसको बना दिया एकदम, सोवियत टाइम से भी पहले की गाड़ी है ये। एलेक्स भाई बता रहे हैं कि इनकी कार में जो मॉडिफिकेशन हुई है ना, उस वजह से पुलिस वाले इनको कभी रोकते भी हैं तो अप्रिशिएट करते हैं इनकी कार को। मैं इनको बता रहा था कि हमारे इंडिया में इस तरीके की मॉडिफिकेशन करोगे तो चालान होगा अलग से, क्योंकि अलाउड नहीं है इंडिया में, बट यहाँ पर ये सब चीज़ें अलाउड हैं। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपको पेट्रोल से गैस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, बट मैं इनको बता रहा था कि हमारे इंडिया में अगर ये आपको करना है तो भैया जान ले लेगी अथॉरिटीज़ आपकी। चलो भाई की यूनिवर्सिटी आ गई है, लेट्स गो। We're not really far, right? Yeah, yeah. University look at the car. There and we will catch the magazine. तो यूनिवर्सिटी आगे है भाई की, अभी आई नहीं है, लेकिन भाई ने बोला कि यहाँ पर एक शॉप है, वहाँ चलते हैं, कुछ खाने पीने का सामान उठा लेते हैं। तो भाई की यूनिवर्सिटी का नाम है समारा स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो भाई बता रहे हैं कि भाई इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और अब इसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर आ रहे हैं, तो इट्स रियली नाइस टू बी द स्टूडेंट एंड द लेक्चरर इन द सेम यूनिवर्सिटी। इनकी यूनिवर्सिटी के अंदर लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल के बारे में रिसर्च एंड पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है और ऑयल का बिज़नेस इनके अंदर काफ़ी अच्छा है। तो भाई बता रहे हैं कि ये जो फैकल्टी है ऑयल से रिलेटेड जो इनकी फैकल्टी है वो ज़्यादा पैसा बनाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ना वही है। ये है भाई का ऑफिस, यहाँ पर हम बैठ के काम करेंगे, तो भाई बोल रहे हैं कि भाई वहाँ बैठ के अपना काम करेंगे, और मुझे ये वाला स्पेस मिल गया एंड लकीली वी हैव ओवन हियर, तो हमारे पास सॉसेजेस हैं, ब्रेड हैं, तो हम खाना वाना भी बना के खा पाएंगे, और ऑफ कोर्स चाय तो मिल ही जाएगी। सो वी विल हैव अ टी हियर। जी है, वो क्या इज नॉट द प्रॉब्लम? या नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। तो यार ऐसी होती हैं कुछ रशियन यूनिवर्सिटीज़, एंड ये कोई क्लास नहीं है, लेकिन ये इनका रिसर्च रूम है, यहाँ पर बैठ के ये लोग रिसर्च करते हैं। तो यार चाय तो रेडी हो गई है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें चीनी डाल ली है और उसको मिक्स करने के लिए स्पून नहीं है, तो अभी आइडिया ये लगाया है एलेक्सी भाई ने कि उनके पास एक लंबी सी चाबी है, वो उसको धोने गए हैं, वो उसको धो के फिर उससे काम करेंगे। आई नो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पून बहुत गंदी होती है, इधर उधर हम लोग लगाते रहते हैं, बट स्पून भी तो गंदी होती है ना, जब धोने के बाद स्पून को यूज़ कर सकते हैं तो की को क्यों नहीं। तो बाबू भैया वाईफाई का पासवर्ड मिल गया है, एक वीडियो अपलोड करनी है और दो तीन वीडियोस में सोच रहा हूँ कि आज एडिट करके रख लेता हूँ ताकि फिर बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो, अगर यहीं पे एडिट हो गई तो फिर मैं शेड्यूल करके छोड़ दूँगा। तो यार जिस रूम में बैठे थे वहाँ का वाईफाई काम नहीं कर रहा है, अब हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं, दूसरे रूम में जा रहे हैं जहाँ पर वाईफाई चलेगा।
हमने लोकेशन अपनी चेंज कर ली, अब हम किसी दूसरे रूम में आ गए और ये कुछ लैब जैसी दिख रही है मुझे। तो भाई यहाँ का काम हो गया, फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, पर पता नहीं आज मुझे क्या हो गया मेरी स्पीड को, 4 घंटे मुझे लगे एक ब्लॉग को एडिट करने में, वो भी मैं अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पाया हूँ। अब मुझे घर जाके एक्सपोर्ट करना होगा, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम आएगी, इनके घर में वाईफाई जो है उसकी स्पीड बहुत स्लो है, देखना होगा कि कहाँ मैं जा सकता हूँ, किसी कैफ़े वगैरह में जाना होगा अपलोड करने के लिए। यहाँ हमारे कपड़े हैं गंदे जो कि धोने हैं, और ये ब्रेड वगैरह ये सब लेके चलेंगे। हाँ मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग पहले मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट डेवलप कर देते कि वहाँ जाएंगे वो बहुत सही जगह है, वहाँ जाएंगे वो खाएंगे बहुत बढ़िया होगा, उसके बाद बताते हैं कि वो जगह बंद है। मैं रेड स्क्वायर गया था तो पता चला कि रेड स्क्वायर बंद है। अभी एलेक्सी भाई बहुत सही से मेरे को बताते बोला है कि यार बहुत सही शवरमा मिलता है, ये है वो है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट डेवलप कर दिया मेरे अंदर। और फिर मुझे लगा चलो चलते हैं खाएँगे मज़ा आएगा, बट रेस्टोरेंट बंद है। अब हम प्लान करें किसी और जगह जाने का, तो ये कह रहे हैं कि ये मुझे कुछ डम्पलिंग्स और एक कोई डिश बता रहे हैं, कोई जॉर्जियन डिश, तो कह रहे हैं कि वो खाएंगे जाके, तो लेट्स सी कि अब वो कैसा होगा, बट मेरा मन बड़ा था शवरमा खाने का। अभी वेट कर रहे हैं हम लोग एलेक्सी के फ्रेंड का, वो आएगा फिर उसके साथ अपन लोग यहाँ से आगे जाएंगे। आई गेस वो आ गया है और ये डस्टर उसी की है।